Hello students, in today's lecture on dual nature of radiation and matter for class 12, we shall have discussion on last topic of this chapter, Davison and Germer experiment. Davison and Germer experiment, it is nothing but an experiment which was performed by C.J. Thomson and L.H. Germer in 1927. 1927 में डिविसन एंड जर्मर इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था. बाद में अकेले जे.पी. थॉमसन साहब ने 1928 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है, यानी जब इलेक्ट्रॉन्स स्केटर्ड होते हैं किससे, क्रिस्टल से, यानी जब किसी क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट की जाती है तो उस इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्रैक्ट हो जाते हैं और इससे फिर उन्होंने फाइनली इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव किया. सो टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड. डेविसन एंड जर्मर ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था. तो एग्जाम में इसके ऊपर जो प्रश्न आता है वो या तो आएगा डिस्क्राइब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, और या फिर पूछा जाएगा डिस्क्राइब थॉमसन एक्सपेरिमेंट, या फिर पूछा जाएगा डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करने के लिए डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और एक्सपेरिमेंटली इस एक्सपेरिमेंट के जरिए डेविसन और जर्मर ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई किया. बाद में 1928 में इंडिपेंडेंटली डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑब्जर्व किया किसने, जेपी थॉमसन साहब ने, जिसमें इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल के ऊपर बम्बार्ड किया, निकल क्रिस्टल के ऊपर जब उन्होंने गिराया इलेक्ट्रॉन्स को तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्रैक्ट हो गए और वहां से फिर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव किया गया. देखिए इस वर्क के लिए डेविसन एंड थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला 1937 में, दोनों को कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज मिला. तो अब इस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करने के लिए जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कि बाद में इंडिपेंडेंटली थॉमसन साहब ने परफॉर्म किया, इसे जानना है कि इसमें क्या होता है. इस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन गन लिया. ये इलेक्ट्रॉन गन का फिलामेंट है और इस इलेक्ट्रॉन गन को एक लो टेंशन बैटरी से जोड़ दिया. किससे जोड़ दिया, लो टेंशन बैटरी से, इस तरीके से जोड़ दिया. ये नेगेटिव टर्मिनल है लो टेंशन और ये हाई टेंशन लो टेंशन का पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी है, और ये इलेक्ट्रॉन गन है. इस इलेक्ट्रॉन गन का ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट को आप नाम दे सकते हैं एफ. ये एफ फिलामेंट है इलेक्ट्रॉन गन का और इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, कोटिंग की. इस टंगस्टन का ये फिलामेंट था, ये किसका फिलामेंट लिया था उन्होंने, टंगस्टन का. इस टंगस्टन फिलामेंट के ऊपर उन्होंने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की थी. किसकी कोटिंग की थी, बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की थी. और जैसे ही इसके ट्रिगर को प्रेस किया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स का बीम निकला. ये इलेक्ट्रॉन्स का बीम इससे निकला और इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को हाईली एक्सेलरेट करने के लिए, इससे इलेक्ट्रॉन गन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हाईली एक्सेलरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन गन को एक हाई टेंशन यानी एक हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा. हाई वोल्टेज बैटरी में ये नेगेटिव टर्मिनल उन्होंने लिया, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. ये एक हाई टेंशन बैटरी था, ये हाई टेंशन बैटरी. इस हाई टेंशन बैटरी से जोड़ करके उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया. किस तरीके से एक्सेलरेट किया ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा. इस तरीके से यहाँ पर एक ये हाई टेंशन बैटरी जोड़ी उन्होंने और इस हाई टेंशन बैटरी को एक तरफ से तो जोड़ दिया इससे लो टेंशन इस इलेक्ट्रॉन गन से, और दूसरा पॉइंट यहां से उन्होंने कनेक्शन लिया और इस कनेक्शन को जोड़ दिया उन्होंने एक कॉलीमेटर से. यहां पर उन्होंने एक कॉलीमेटर लगाया था. इस कॉलीमेटर को लगाने का उद्देश्य ये था कि जो इलेक्ट्रॉन्स बीम आ रहा है वो कॉलीमेटेड रूप में कॉलीमेटेड बीम के रूप में आगे बढ़े. ये कॉलीमेटेड बीम के रूप में इलेक्ट्रॉन बीम आगे बढ़ रहा है और आगे उन्होंने क्या किया, एक निकिल क्रिस्टल रखा, एक निकिल क्रिस्टल यहां पर रखा. और इस निकिल क्रिस्टल पर जब इन हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम्स को
जब इस निकल क्रिस्टल पर उन्होंने गिराया तो देखा कि जो ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स इस निकल क्रिस्टल से टकरा करके डिफ्रैक्ट हो गए डिफरेंट डायरेक्शंस में और पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए डिफ्रैक्ट हुए। जैसे कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बीम इस तरफ डिफ्रैक्ट हुआ थीटा एंगल बनाते हुए, ये थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन यहाँ पर कहलाएगा, और ये जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है इससे टकराने के बाद जो ये आ रही है इसे कहेंगे हम डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। ये क्या होगा? डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम इसे कहते हैं, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। और इस डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी क्या होगी उसे मेजर करने के लिए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ निकल क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होकर के डिफरेंट डायरेक्शंस में आ रहे हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक मूवेबल डिटेक्टर लगाया। ये मूवेबल डिटेक्टर उन्होंने लगा दिया। इस मूवेबल डिटेक्टर की हेल्प से उन्होंने अलग अलग एंगल से डिफ्रैक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट होकर के आ रहे हैं, और इस मूवेबल डिटेक्टर से यहाँ पर उन्होंने जोड़ दिया क्या, एक मूवेबल डिटेक्टर से जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर। क्या जोड़ा बेटा? एक गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर उन्होंने जोड़ दिया, ये गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। और गैल्वेनोमीटर आप जानते हैं ये आपको डिफ्लेक्शन के बारे में बताएगा। गैल्वेनोमीटर जोड़ा यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से उन्होंने डिफ्लेक्शन को मेजर किया। ये क्या था? मूवेबल डिटेक्टर था, ये मूवेबल डिटेक्टर, मूवेबल डिटेक्टर था ये, ठीक है, मूवेबल डिटेक्टर। और इस पूरे अरेंजमेंट को ये था कॉलीमेटर, ये क्या था? कॉलीमेटर, ये कॉलीमेटर, कॉलीमेटर, ठीक है। और ये क्या है? ये जो डॉटेड लाइन ये जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है। इस पूरे सेटअप को उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम चेंबर के अंदर एनक्लोज कर दिया। इस पूरे के पूरे सेटअप को आपको पेंसिल से ही बनाना है। इस पूरे के पूरे सेटअप को उन्होंने एक वैक्यूम चेंबर के अंदर क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया। वैक्यूम चेंबर के अंदर एनक्लोज करने का पर्पज उनका क्या था? ये जो मैंने ग्रीन पेन से बाउंड्री बनाई है, दिस इज नथिंग बट द वैक्यूम चेंबर। इसको किसमें एनक्लोज कर दिया? पूरे सिस्टम को आप पेंसिल से ही बनाएंगे एग्जाम में। ये ग्रीन पेन से जो मैंने बाउंड्री बनाई है पेंसिल से ही बनाइएगा। ये तो यहाँ पर आपको जस्ट अलग से दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये वैक्यूम चेंबर है। वैक्यूम चेंबर में इस पूरे अरेंजमेंट को इसलिए एनक्लोज किया जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ से, या इलेक्ट्रॉन गन से जो हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और निकल क्रिस्टल से टकरा करके डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कोई डिस्टरबेंस, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस डिस्टर्ब ना कर पाए, उसके लिए इस पूरे अरेंजमेंट को वैक्यूम चेंबर के अंदर एनक्लोज कर दिया गया। तो आप देखिए ये हाई टेंशन बैटरी, यहाँ पर ये हाई टेंशन बैटरी है, हाई टेंशन है, हाई टेंशन, और ये जो है लो टेंशन है, लो टेंशन, और ये टंगस्टन का फ्लामेंट है। ये किसका फ्लामेंट है? यहाँ पर टंगस्टन का फ्लामेंट है, ये एफ टंगस्टन का फ्लामेंट है जिस पर बेरियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट की गई है, कोटिंग की गई है बेरियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था डेविसन जर्मर का, इस जिसकी हेल्प से डेविसन और जर्मर दोनों ने क्या देखा, क्या प्रूव किया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रूव किया। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, अलग अलग एंगल ऑफ स्केटरिंग के लिए, अलग अलग एंगल ऑफ स्केटरिंग लेते हुए, ठीक है, अलग अलग एंगल ऑफ स्केटरिंग लेते हुए, ये थीटा की वैल्यू है, थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट्स किए, ग्राफ प्लॉट किए, डिफरेंट ग्राफ्स प्लॉट किए। उन्होंने पोटेंशियल को चेंज किया, पहले उन्होंने 44 वोल्ट पोटेंशियल लिया, 44 वोल्ट पोटेंशियल लिया। आप जानते हैं यहां से आप पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। 44 वोल्ट पोटेंशियल पर उन्होंने एक तरफ लिया थीटा और इसको उन्होंने प्लॉट किया इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, किसके साथ प्लॉट किया, इंटेंसिटी इधर वाई एक्सिस पर ले लिया, इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को इधर वाई एक्सिस पर लिया। और इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम को जब एंगल ऑफ स्केटरिंग
के रेस्पेक्ट में इस 44 वोल्ट पोटेंशियल पर ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो उनको जो ग्राफ मिला कुछ इस तरीके से ग्राफ मिला, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने पोटेंशियल को चेंज किया, 44 के बजाय उन्होंने 48 वोल्ट पोटेंशियल किया। 48 वोल्ट पोटेंशियल करने के बाद फिर उन्होंने इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड बीम को इधर लिया और इधर एंगल ऑफ स्केटरिंग लिया, थीटा की वैल्यू ली, थीटा ले लिया इधर, इधर क्या ले लिया, थीटा ले लिया। और फिर जब 48 वोल्ट पोटेंशियल फिक्स किया हाई टेंशन की हेल्प से, तो फिर उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो फिर ग्राफ उनका कुछ इस तरीके से आ रहा था। फिर उन्होंने पोटेंशियल को और बदला, फिर उन्होंने पोटेंशियल को 48 के बजाय 50 वोल्ट करके देखा। 50 वोल्ट जब उन्होंने पोटेंशियल को किया, 50 वोल्ट जब पोटेंशियल को किया तो देखिए ग्राफ कैसा आया। 50 वोल्ट जब पोटेंशियल को उन्होंने किया, ये इस तरीके से, जब उन्होंने पोटेंशियल को 50 वोल्ट किया, कितना किया, 50 वोल्ट किया, 50 वोल्ट के केस में जब इधर एंगल ऑफ स्केटरिंग था और इधर इंटेंसिटी ऑफ स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम था, इसके लिए ग्राफ जब उन्होंने प्लॉट किया तो उन्होंने देखा कि इस समय जो ग्राफ का पीक है वो एकदम बेटर आ रहा था, एकदम बेटर पीक आ रहा था। और इस समय जो एंगल ऑफ स्केटरिंग था वो था कितना, 50 डिग्री, 50 डिग्री एंगल ऑफ स्केटरिंग के लिए पीक वेक्टर आ रहा था। फिर उन्होंने पोटेंशियल को और बढ़ाया, जब उन्होंने पोटेंशियल को 54 वोल्ट किया, वी की वैल्यू कितनी की, 54 वोल्ट की, और इधर इंटेंसिटी ली और इधर थीटा की वैल्यू ली, तो फिर उन्होंने देखा कि दोबारा से ये जो पीक है डिस्टर्ब हो गया, पीक क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इस तरीके से उनको बेटर पीक जो मिला वो 50 डिग्री एंगल ऑफ स्केटरिंग पर और पोटेंशियल कितना 50 वोल्ट उस समय मिला, इस समय बेटर पीक उनको मिला। और फिर उन्होंने वेवलेंथ कैलकुलेट किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, एज पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की हेल्प से वेवलेंथ कैलकुलेट किया। वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से आप जानते हैं अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम होती है। और यहां पर जब उन्होंने वी की वैल्यू को कितना रखा, पोटेंशियल को 50 वोल्ट रखा, यहां पर जब 50 वोल्ट पोटेंशियल, सॉरी 54 रखा, यहां पर 54 रखा, ये 54 था बेटा, ये 54 था और ये 68 लिया ये, ठीक है। तो ये चार केसेस मैंने लिए, देखो जरा दोबारा से देख लो, पहला 44 वोल्ट पर उन्होंने देखा, फिर 48 पर देखा और फिर उन्होंने देखा 54 वोल्ट पर 50 डिग्री एंगल ऑफ स्केटरिंग पर, जब वोल्टेज का वैल्यू 54 डिग्री है, सॉरी 54 वोल्ट है तो एंगल ऑफ स्केटरिंग थीटा, और जब वोल्टेज 68 वोल्ट किया तो फिर से ये पीक जो है डिस्टर्ब हो गया, यानी बेटर पीक मिल रहा था 54 वोल्ट पर। उसके बाद में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज करते हुए उन्होंने जब यहां पर 54 वोल्ट ये रखा, पोटेंशियल का वैल्यू 54 वोल्ट रखा, तो इसकी हेल्प से जो वेवलेंथ निकल के आई, इसकी हेल्प से जो वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई 1.67 एंगस्ट्रॉम आई, कितनी आई 1.67 एंगस्ट्रॉम आई इसकी हेल्प से। फिर उन्होंने इसको थियोरेटिकली कैलकुलेट किया, ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, ये कैसा था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट किसकी हेल्प से आया, डेविसन जर्मर को मिला, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया ये। और फिर उन्होंने इसको थियोरेटिकली कैलकुलेट किया, थियोरेटिकली ब्रैक्स नाम के वैज्ञानिक ने इसको कैलकुलेट किया था, ब्रैक्स रिलेशन होता है, थियोरेटिकली ब्रैक्स इक्वेशन फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पैटर्न, ब्रैक्स इक्वेशन फॉर मैक्सिमम डिफ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, जो ब्रैक्स नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा कि जो क्रिस्टल होता है, जब क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, इस टाइप से इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, आप सब जानते हैं, इस टाइप से इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड इस निकल क्रिस्टल का अरेंजमेंट, ये उन्होंने कहा, ये निकल क्रिस्टल का अरेंजमेंट उन्होंने बताया। और यहां पर जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस उन्होंने ली निकल क्रिस्टल के लिए, जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये डी की वैल्यू
लगभग होती है निकिल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉन्ग। किसके लिए है ये? फॉर निकिल क्रिस्टल, निकिल क्रिस्टल, ठीक है, निकिल क्रिस्टल। और जो डिफ्रैक्शन ऑर्डर ऑब्जर्व किया वो फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए एन का वैल्यू 1 होता है। और जो ब्रैक्स इक्वेशन है वो क्या होता है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये ब्रैक्स इक्वेशन होता है। और एन की वैल्यू 1 ली उन्होंने, एन की वैल्यू 1 लेने के बाद फिर उन्होंने थीटा की जो वैल्यू ली, थीटा कितना था? 50 डिग्री। थीटा कितना था? 50 डिग्री। 50 डिग्री था या नहीं? थीटा थीटा उनके केस में आया, ब्रैक के केस में थीटा आया था, थीटा की वैल्यू थी 65 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 65 डिग्री। ब्रैक ब्रैक के रिसर्च वर्क की बात कर रहा हूं मैं, ब्रैग नाम के साइंटिस्ट ने इसको थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था, वेवलेंथ को। निकल क्रिस्टल से जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो कितनी वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कैलकुलेट किया। और यहाँ पर डी जो है इंटर एटोमिक डिस्टेंस, जो कि 0.91 एंगस्ट्रॉन्ग है, और एन जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, और थीटा की वैल्यू 65 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है? 65 डिग्री है। तो उस केस में यहां से 2 × d की वैल्यू हो गई 0.91 एंगस्ट्रॉन्ग, 0.91 एंगस्ट्रॉन्ग साइन, और ये 65 डिग्री, और इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1, और ये लेमडा। और यहां से लेमडा इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेट किया गया 0.91 × sin 65 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू आई लेमडा की, थियोरिटिकली जो वैल्यू आई 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग आई। कितनी वैल्यू आई? 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग। ये थियोरेटिकल रिजल्ट था, और पहले वाला जो रिजल्ट आया थियोरेटिकल रिजल्ट था, ये थियोरेटिकल रिजल्ट। और पहले वाला जो डिवीसन जर्मर का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो कितना था? 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग था, जो कि थियोरेटिकल वैल्यू के काफी नजदीक है, ठीक है, जो थियोरेटिकल वैल्यू के काफी नजदीक है। फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरिटिकल रिजल्ट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज होते हैं, दोनों वेरी क्लोज हैं। एक जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आई 1.67 एंगस्ट्रॉन्ग आई, और थियोरिटिकली जो वैल्यू आई वो 1.65 एंगस्ट्रॉन्ग आई। तो इस तरीके से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जो ये लेमडा की वैल्यू आई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो ब्रैक्स के थियोरिटिकल रिजल्ट था, दोनों काफी एक दूसरे के नजदीक थे। तो यहां से ये वेरीफाई हो जाता है, इट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन्स की नेचर कैसी होती है? वेव नेचर होती है, ये यहां से प्रूव हुआ। तो इस तरीके से वेव नेचर को प्रूव करने के लिए ये डेविसन जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा कि ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स के फील्ड में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स में आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ। और जो वेव प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसका यूटिलाइज किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिजाइन करने में, जिससे कि उसका रिजोल्यूशन ज्यादा हो, ठीक है, एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो एप्लीकेशंस के केस में आप कह सकते हैं, एप्लीकेशंस के केस में इसका जो यूज है, यूज जो है आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिजाइन में है इसका। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिजाइन किया गया किसकी हेल्प से? इसी डिवीजन जर्मर की हेल्प से, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका जो रिजोल्यूशन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर आया। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिजाइन करने में, ये इसका एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। तो ये था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि डेविसन जर्मर ने पहले परफॉर्म किया और बाद में इंडिपेंडेंटली थॉमसन साहब ने परफॉर्म किया। इस तरीके से आप ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन भी एग्जाम में कर सकते हैं। जो बेटर इनको पीक मिल रहा था
वो एंगल ऑफ स्केटरिंग जब 50 डिग्री था और जब वोल्टेज का वैल्यू 54 वोल्ट था उस समय इनको वेक्टर पीक मिल रहा था, तो उसके आधार पर हमने कैलकुलेशन की और मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग बताया, थ्योरी भी बताई। तो इस आधार पर आप इस डिविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर नंबर 11 ये फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच।